तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो के अंदर। हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ कि वंडर्स एयर फिल्मोरा में कितने ऐप्स होते हैं, कितनी टाइमलाइंस होती हैं, कितने प्रकार का कनेक्शन होता है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपको जरूरी सूचना बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन पर बहुत ही अच्छा एक फिल्मोरा वंडर्स एयर फिल्मोरा का एक कोर्स आने वाला है, जो कि वंडर्स एयर फिल्मोरा 11 का रहेगा, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से अपने फिल्मोरा 11 से एक न्यूज एडिटिंग कर सकते हो, न्यूज इफेक्ट बना सकते हो, न्यूज टेम्पलेट्स बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लेट्स स्टार्टेड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसके जस्ट पास में हम जाते हैं, वंडर्स एयर फिल्मोरा को ओपन करते हैं। जैसे हम वंडर्स एयर फिल्मोरा को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस उपलब्ध हो जाएगा। अब इसमें क्या है, बहुत ही सरल इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। जैसा कि एडोब आफ्टर इफेक्ट 2023 का आने वाला है, एडोब प्रीमियर प्रो का आने वाला है, लाइटरूम स्टूडियो का आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्स जो कि हम अपने चैनल पे फ्री में आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस उपलब्ध हो जाएगा अगर आपका प्रीमियम वर्जन होगा तो अपने फिल्मोरा का। तो इसमें आप सबसे पहली वीडियो आपकी रहेगी, इसमें सबसे पहले आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे टच कर सकते हो, या फिर कंट्रोल आई यहाँ पे आप टच करोगे। अगर यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस आई करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। मान लीजिएगा मैं यहाँ से अपनी एक फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ से अपनी टाइमलाइन पे इस वीडियो को रख दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इस फोटो को रख दिया है, अब मेरे को करना क्या है, अब आगे के प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मीडिया का मिल जाता है, जिसमें अपनी आप मीडिया को रख सकते हो। इसके बाद मिल जाता है ग्लोबल मीडिया का, ग्लोबल मीडिया में अपने प्रोजेक्ट के डाटा को रख सकते हो। फोल्डर्स मिल जाते हैं, सिंपल मीडिया मिल जाती है, जहाँ से आप एक कलर ले सकते हो। सिंपल कलर यहाँ से आप उठा के अपनी टाइमलाइन पे डायरेक्ट यहाँ पे आप रख सकते हो, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस उपलब्ध हो जाएगा। सिंपल वीडियोज मिल जाती हैं, जो कि आपको यहाँ पे इफेक्ट्स में लगाने के लिए बहुत ही काम आएंगी। इस प्रकार की यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाती हैं, ग्रीन स्क्रीन वाली, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है ये वाला इसका। तो इसमें भी आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। प्रेजेंट टेम्पलेट्स मिल जाती हैं आपको, ठीक है। प्रेजेंट टेम्पलेट्स में आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको बनाया हुआ मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रैवल वगैरह का, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाते हैं, स्टॉक मीडिया पे अगर हम जाएंगे तो स्टॉक मीडिया में भी हमको बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिक्स पिक्सल्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑडियो पे अगर मैं जाता हूँ, जैसे ही मैं ऑडियो पे यहाँ पे जाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उपलब्ध हो जाता है, जहाँ पे हम अपने डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्मोरा की तरफ से हमको लगभग 300 या 250 फ्री म्यूजिक मिल जाते हैं विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक। यहाँ पे हमको अगर हम म्यूजिक की बात करें तो फ्री विदाउट म्यूजिक हम यहाँ पे आपको 1000 के लगभग मिल जाते हैं। इसके बाद साउंड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 50,000 के लगभग यहाँ पे आपको बेसिक साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इसके बाद अगर मैं टाइटल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको फिल्मोरा खुद ही रिकमेंडेड करता है, जो कि 50-100 यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, टाइटल्स मिल जाते हैं, जिनको अपनी वीडियो में आप यूज कर सकते हो। इसके बाद टाइटल्स और भी टाइटल्स मिल 700 टाइटल्स और मिल जाते हैं, जिनको जो कि आपको फ्रेंड्स मिल जाते हैं, प्लेन फ्रेंड्स। इसके बाद वर्ड आर्ट मिल जाता है आपको 137। इसके बाद 96 आपको ओपनर्स मिल जाते हैं अपनी वीडियो में यूज़ करने के लिए, ठीक है। इस तरह यहाँ पर बहुत सारी आपकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आपको शॉर्टकट्स में बता देता हूँ। इसमें आप ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हो अपनी वीडियो में। आज की वीडियो में शॉर्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कोर्स में आपको मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताऊँगा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स मिल जाते हैं, न्यूज ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। यहाँ से आपको 50-100 यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रांजेक्शन्स। इसके बाद अगर मैं नए न्यू ट्रांजेक्शन्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स मिल जाते हैं, जो कि आपको 133 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरे को इफेक्ट्स में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं, लगभग 1500 यहाँ पे मेरे को ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं, जो कि अपनी वीडियो में हम अपने पे लगाए। एलिमेंट्स मिल जाते हैं, स्टिकर्स मिल जाते हैं, फिल्म स्टॉक वीडियोस मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें मिल रही हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वीडियोज़ को अच्छे से एडिट कर सकते हो, न्यूज़ वीडियो को भी अच्छे से यहाँ पे आप टेम्पलेट्स बना सकते हो। तो नेक्स्ट वाली वीडियो जो मेरी आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप न्यूज़ टेम्पलेट्स बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे कोर्स आने वाला है, तो आप वेट करिए, 2-3 दिन का वेट करिएगा। मैं जल्दी ही नया कोर्स आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
लॉर्डशॉप सॉल्यूशन के नाम से यूट्यूब पे चैनल सर्च करोगे, लॉर्डशॉप सॉल्यूशन के नाम से हमारा चैनल अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया कोर्स आएगा नए चैनल पे ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, मेरे पुराने चैनल पे मैं ओनली वन वीडियो ही अपलोड करूँगा, इसके बाद इस चैनल पे मैं काम नहीं करूँगा, इस पे ओनली हमारी नोटिफिकेशन वीडियो ही आएंगी। तो आपको ये नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला था, तो बस इतना ही इस वीडियो के माध्यम से। जो नीचे की टाइमलाइंस वगैरह मैं आपको बताऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।